अल्हम्दुलिल्लाह सीलिंग के काम हमने शुरू करवा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सीलिंग का काम शुरू हो जाएगा। याद रखें कि आप सीलिंग जहां से मर्जी करवाएं, अगर तो सीलिंग वाले ने कापर की ये वाली तार ना डाली, अगर ते सीलिंग वाले ने कापर दी तार दे बजाय लोहे दी तार पा दी थी, तो फिर याद रखो कि सीलिंग तुहाडी लोहे दी तार नू जंग फट जाना है, जंग पकड़ने की वजह से आपकी सीलिंग गिरना शुरू हो जाएगी। अब आपको सीलिंग वाला ये कहेगा कि नहीं है, मेरे अपने घर के लोहे की तार लाई हो, ये स्टील की तार लाई हो, ये तांबे की तार लाई हो, ये अभी तक उन्होंने जंग नहीं लगा। बात यह है कि वो अपने घर में बेशक जो मर्जी बर्बादियां करता रहे, जब हम पैसे पूरे दे रहे हैं तो फिर हम क्यों, क्या वजह है कि हम उसे कॉपर की तार ना लगवाएं। और ये 5 सूत्र की हम मोटी टाइल लगा रहे हैं, 5 सूत्र मोटी। सियालकोट में मैं इस वक्त साइट को मुकम्मल करवा रहा हूँ। मैंने सियालकोट के माशाल्लाह सीलिंग वालों को, फ्राडिये तरीन सीलिंग वाले, शरीफ तरीन सीलिंग वाले, एडे नेक सीलिंग वाले, बहुत सारे बहुत अच्छे सीलिंग वाले नु बुलाया। सियालकोट के बहुत सारे सीलिंग वालों को मैंने बुलाया। सियालकोट में माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे लगता है कि सारे सियालकोटियां नहीं, ख्वाजा आसफ की घुट्टी लई हुई है, यानी जेड़ा बंदा जमदा सी ख्वाजा आसफ जाके उन्होंने घुट्टी देंदा सी। आप घुट्टी तो समझते होंगे, शायद नौजवान बच्चे ना समझते हों, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, उस अजान को घुट्टी कहा जाता है पंजाबी दे विच। लगता है जेड़ा बच्चा पैदा होंदा सी उन्दे कान दे विच ख्वाजा आसफ जाके घुट्टी दे देंदा सी। यानी सारे के सारे सीलिंग वाले यहाँ पर 2 नंबरी सियालकोट में कर रहे हैं। क्या 2 नंबरी कर रहे हैं? वो कापर की तार, यानी 7,000 रुपये किलो कापर की तार की बजाय तांबे की तार लगाते हैं, 300 रुपये किलो। तांबा कह लो, स्टील कह लो, लोहा कह लो। एक सियालकोट वाले ने मुझे ये कहा कि जनाब मैं गारंटी देना, लेबॉर्ट्री तो टेस्टेड है, इसको जंग नहीं लगता। मैंने कहा लेबॉर्ट्री छोड़ो, क्यों तुम इतनी लंबी बात करते हो, मैं लेबॉर्ट्री जो टेस्ट कराई है, फलानी जगह को टेस्ट कराई है, तू कहना है ना जंग नहीं लगता, तू तार मैनू लिया के दे, तो उनके 3 दिन के बाद आवी तेरी तार नू जंग लगा होएगा, मैं तेरी तार नू जंग ला के विखावगा, तू छड़ लेबॉर्ट्री नू, लेबॉर्ट्री तो बड़ी दूर दियां गल्लां ने, मैं तेरी तार नू जंग ला देवगा, 3 दिन के बाद आएगा तेरी तार जंगो जंग हो ही होगी। उसने कहा आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं जो मर्जी करा, तुम कहते हो ना तार को जंग नहीं लगता, मैं तेरी तार नू जंग ला देवगा। अर्ज ये है कि माशाल्लाह सियालकोट का मैं आपको तजर्बा बता रहा हूँ। सियालकोट और मैं तो माशाल्लाह कापर की तार, जिन्हों भी मैं क्या कापर की तार ला, पहले तो उन्हें झूठ बोलना शुरू कर दिता। अपने दादा दे किस्से, मैनू 20 साल हो गए, मैनू 15 साल हो गए, मैनू मेरा दादा भी सीलिंग का काम करता सी, मेरे परदादे ने भी सीलिंग का काम किया, और कुछ तो ऐसे बादशाह हैं वो सियालकोट के फिर बड़े बड़े MP MNS के नाम लेने लग जाते हैं कि मैंने उस MPA के घर में भी काम किया, उधर भी स्टील की तार डाली, उसके MNA के घर में भी काम किया, उसके घर में भी मैंने स्टील की तार डाली। यानी ऐसी कहानी है जो, यानी बस उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह हम उनकी कहानी से मुतासर हों और उनसे कापर की तार ना डलवाएं। याद रखें कि जब पैसे वो पूरे ले रहे ने तो फिर की वजह आएगी कि कापर की तार क्यों नहीं डालते? मैनू समझ नहीं आती कि इतने असं पैदा होंने, पैदा हो के मैं लगता है कि साड़ी कोई ऐसी तरबियत हुई है पैदा हो के, हम शायद ऐसी कोई दुआ मांगते हैं कि मेरे अल्लाह मैनू हलाल खाण की तौफीक ना दे, मैनू मेरे अल्लाह मेरा दिल ले गया कि सारी ज़िंदगी में हराम खांदा रवा। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम क्यों हर काम में हराम को शामिल करने में खुशी महसूस करते हैं। स्पेशली सियालकोट के सीलिंग वाले, तो मैं कहता हूँ अगर जो भी सियालकोट वाले साहब जो वीडियो देखें, अपने सीलिंग वाले से पूछ के देखिएगा, सियालकोट के हर सीलिंग की वाले घर में, अगर आपके घर में सीलिंग हुई है तो आप अपने घर को चेक करें, आपके घर में भी उन्होंने स्टील की तार डाली होगी, वो कापर की तार नहीं डालते। कहते 7,000 किलो है, मैं जिमें पावा, मैं क्या उसी तरह पा जिमें तू 5 लाख रुपये सीलिंग से साढ़े को लवेंगा, उसे तरीके तू कापर की तार पा, तेरे को 7,000 रुपये की कापर की तार पाई नहीं जा रही, साढ़े को लखा रुपये तू सीलिंग से मांगना है।